बड़े परदादा मोतीलाल नेहरू ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की लड़ाई लड़ी, त्याग किया जेल में रहे, उनकी दादी ने भी बचपन में आजादी की लड़ाई लड़ी और देश पर लंबे समय तक शासन किया, उनके पिता ने भी अपने पूर्वजों का लाभ उठा करके देश पर शासन किया, लेकिन एक फटे कुर्ते के अलावा राहुल गांधी की क्या देन है आप बताइए इस देश के। और अब ये दोनों मिलकर के सोच रहे हैं कि हम इकट्ठे हो गए हैं, हमें बहुत ताकत बन गई है और अब हम मुकाबला कर पाएंगे। मैं अखिलेश को कहूंगी कि कुछ भी कहो, पिता ने बड़ा भरोसा करके तुम्हें गद्दी सौंपी, इसी उत्तर प्रदेश की धरती ने तीन बेटे देखे, एक देखा है त्रेता युग में, मैं फिर नाम नहीं ले सकती ना, एक देखा है त्रेता युग में, जो पिता की मर्यादा की रक्षा के लिए वचन को पूरा करने के लिए 14 साल के लिए वनवास में चला गया, और एक देखा है 400 साल पहले आगरा में, जिसने कुर्सी पाने के लिए अपने बाप को जेल में बंद कर दिया था और बाप बेचारा जेल में ही अंत में तड़प तड़प के रो रो करके मर गया था, और तीसरा ये बेटा देखा हुआ है जिसने राष्ट्रीय अधिवेशन करके अपने बाप को पार्टी से ही निकाल दिया। आप सोचिए, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका कहां से हो सकता है। और राहुल गांधी इस सोच से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, राहुल गांधी इस सोच से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं कि वो राजकुमार नहीं है, उनका आज भी सामंतवादी माइंड सेट है, ये फ्यूडल माइंड सेट है कि हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। उनने सुषमा स्वराज की लड़की के बारे में पार्लियामेंट के अंदर नाम लेकर के आरोप लगाए, खुद राहुल गांधी, हमारे प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट के अंदर रावण कहा गया, हिटलर कहा गया, गद्दाफी कहा गया, तानाशाह कहा गया, और अगर हम कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री ने रेनकोट की बात कही, टेकिंग शावर इन द रेनकोट, टेकिंग शावर इन द रेनकोट, ये क्या है, एक कहावत है, इसका मतलब ये होता है कि आपने शावर का बटन दबाया और पानी आप गिरा, फिर भी आप भीगे नहीं क्योंकि आप रेनकोट पहने थे, मतलब ये था कि मनमोहन सिंह जी सारे घोटाले आपके समय पर हुए, लेकिन आपने कह दिया मैनू कोई की पता, मैनू की पता, आपने ये कह करके पूरी बात खत्म कर दी, ये प्रधानमंत्री का मतलब था। और कांग्रेस के लोगों ने कहा प्रधानमंत्री ने अपमान किया है, अभद्रता की है, असभ्यता की है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अभद्रता क्या है, इसमें असभ्यता क्या है, यानी कांग्रेस के लोगों के दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, लोगों के दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, यह हर चीज को एक